फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस चैनल। आप सभी का खूब स्वागत है डॉल्फिन अप्लायंस में। दोस्तों, आज की वीडियो स्पेशली सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन 2024 एडवांस डिजिटल फंक्शन की पूरी जानकारी देने वाले हैं। मशीन के अंदर क्या क्वालिटी का कंप्रेसर होता है, क्या क्या फंक्शन होती है, क्या क्या सिस्टम होती है, क्या देख के मशीन लेना चाहिए, मार्केट में जो मशीन मिल रही है और हमारी मशीन में क्या क्या फर्क है, वीडियो के अंदर हम पूरी डिटेल पूरी जानकारी देने वाले दोस्तों। तो वीडियो को कंटिन्यू एंड तक बने रहे दोस्तों। डॉल्फिन अप्लायंस कंपनी के पास हर साल कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ एडवांटेज लेके आए। तो दोस्तों, इस बार डॉल्फिन अप्लायंस कंपनी ने 2024 में लेटेस्ट मॉडल को अपडेट और अपग्रेड कर दिया है। इसके अंदर हमारे पास चार अलग अलग मॉडल है दोस्तों। सिंगल फ्लेवर सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन है, उसके बाद 2+1 टेबल टॉप है, उसके बाद ये 2+1 फ्लोर मॉडल है, उसके बाद 2+1 रेम्बो टॉपिंग सिस्टम वाला प्लेटिनियम मॉडल है दोस्तों। डॉल्फिन अप्लायंस की मशीनों की क्या खासियत होती है, डॉल्फिन अप्लायंस की मशीन में क्या क्या फंक्शन सिस्टम होते हैं जो बाजार में मशीन होती है उसमें नहीं होते दोस्तों। तो हमारी मशीन के अंदर दोस्तों सबसे पहले एलजी कंपनी का डिजिटल 7 इंच की टच पैनल लगी है, जो पूरी मशीन की इंट्रोडक्शन देती है आपको। हर एक जानकारी, हर एक चीजें डिस्प्ले शो करती है दोस्तों। इसके अंदर आपको जानकारी मिलती है कितना आइसक्रीम पड़ा है, कितना निकलना बाकी है, कितना टेम्परेचर है, और कल सुबह कोई फॉल्ट आता है तो उसको सॉल्यूशन कैसे करना है, मशीन को रिपेयर कैसे करना है, उसका भी गाइडेंस, अलर्ट और डिस्क्रिप्शन आपको ये मशीन खुद बताती है दोस्तों। मशीन के अंदर खुद इंट्रोडक्शन आ जाता है। सेकंड नंबर के अंदर दोस्तों, मशीन के अंदर स्मार्ट सिक्योरिटी फंक्शन डाला है, जिसके अंदर कल सुबह कोई फॉल्ट या कोई प्रॉब्लम आता है तो मशीन आपको गाइड करती है एडवांसली। जैसे कि ऊपर से हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज आता है, मटेरियल खत्म हो जाता है दोस्तों, कंप्रेसर हीट हो जाता है, मोटर हीट हो जाता है, तो मशीन खुद गाइड करेगा। ऐसा नहीं कि मोटर खराब हो गया, मोटर जल गया, आपको मोटर नया डालना है, कंप्रेसर खराब हो गया, कंप्रेसर जल गया, अभी आपको नया डालना है, बीटर खराब हो गया, बीटर टूट गया, अब आपको नया डालना है। वो चीज होने से पहले आपको मशीन गाइड करेगी कि ये चीज का सॉल्यूशन है, इसको ऐसे आप सॉल्यूशन करो। तीसरे नंबर में मशीन के अंदर हमने 1.5 एचपी का एम्ब्राको कंपनी का वर्ल्ड की टॉप 3 नंबर की दोस्तों कंपनी एम्ब्राको, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो एम्ब्राको एस्पेरा, वर्ल्ड की टॉप 3 नंबर की कंपनी कूलिंग सिस्टम की कंपनी है, जिसकी 1.5 एचपी मतलब 1.25 टन की कूलिंग सिस्टम हमने डाली है। ये मशीन में कूलिंग सिस्टम हैवी डालने का मतलब क्या है दोस्तों, मतलब ये है कि जो बाजार में मशीन मिल रही है उसमें छोटे कंप्रेसर होते हैं, रोटरी कंप्रेसर होते हैं, चाइनीज कंप्रेसर होते हैं, जिसमें प्रोडक्शन कम निकलता है, 1 घंटे में 100 कोन ही निकलता है, 1 शॉट में 4 कोन निकलने के बाद दूध निकलना चालू कर देती है, फिर जमने के लिए 10 मिनट का वेट करना पड़ता है, ग्राहकों की लाइन लगी है, 50 ग्राहक आ गए इकट्ठा, लेकिन अब 4 से 5 कोन निकालने के बाद मशीन दूध निकालना चालू कर देती है। तो ये चीज हमने हैवी कंप्रेसर, हैवी सिस्टम डाला है, सिलेंडर बड़ा कर दिया है, तो ये सिस्टम आपको हमारी मशीन में नहीं होगा। आप ये मशीन के अंदर 1 घंटे में 400 कोन तक निकाल सकते हो। मशीन के अंदर दोस्तों 1 शॉट के अंदर इकट्ठा इकट्ठा एक साथ 50 लोग आ गए, 50 आदमी खाने के लिए आ गए दोस्तों, तो 1 शॉट के अंदर आप 50 कोन भी दे सकते हैं। हमारे बहुत सारे कस्टमर ये मशीन को मेलों में यूज करते हैं, शादी फंक्शन का ऑर्डर लेते हैं, 3 घंटे में 1000 कोन शादी और फंक्शन में सप्लाई करते हैं दोस्तों, फिर भी यह मशीन आसानी से चलती है दोस्तों। मशीन पावर सेवर मोड पे अभी आइसक्रीम तैयार है, इसलिए पूरी मशीन साइलेंट है, 0 नॉइस से आप देख सकते हो, जरा भी आपको आवाज नहीं आएगा। ये माइक हमने यहाँ पे रखा हुआ है दोस्तों, आप देखिए, जरा भी नॉइस और जरा भी आवाज नहीं आएगा, पूरी मशीन साइलेंट है, कहीं पे भी स्टार्ट नहीं। और हमने मशीन खोल के रखी है, हम इसका बॉडी और इसके पार्ट्स भी आपको वीडियो के अंदर पूरा दिखाने वाले हैं। वीडियो के अंदर कंटिन्यू बने रहे तभी आपको मशीन की नॉलेज और जानकारी मिलेगी दोस्तों। मशीन के अंदर दोस्तों आप यहाँ से अलग से अलग 7 से 8 जैत का अलग अलग डिजाइन दिया गया, अलग अलग शेप का आइसक्रीम या कोन निकाल सकते हो। देखिए इस तरह के शेप यहाँ पे दिए गए, हमने स्टार शेप दिए गए है, ये शेप दिया गया है, यहाँ पे स्क्वायर शेप दिया गया है, यहाँ पे ट्राइंगल शेप दिया, और 3 अलग शेप हमने इसके अंदर लगाए। अभी मशीन में हमने वेनिला एंड बटर स्कॉच का फ्लेवर डाला हुआ है दोस्तों, तो सबसे पहले हम प्लेन वेनिला का फ्लेवर निकालेंगे। अब देखिए ये हार्ट शेप का आइसक्रीम निकला है, प्लेन वेनिला का, बेहतरीन क्वालिटी का। अब देखिए वेनिला का आइसक्रीम निकला है, पकड़ी नौ बोले 2 मिनट। दूसरा शेप का हम यहाँ पे बटर स्कॉच एंड वेनिला निकालेंगे, मिक्स का फ्लेवर, एक साइड बटर स्कॉच निकला है, एक साइड वेनिला निकला है, पकड़ी रख दे। तीसरी साइड पे हम निकालेंगे प्लेन बटर स्कॉच ओनली, अब देखिए ये प्लेन बटर स्कॉच निकला है, बेहतरीन क्वालिटी का। आप देखिए इतना टर्न घुमाने के बाद हमने इसको उल्टा कर दिया है, लो वेट, एकदम स्मूथ एंड क्रीमी आइसक्रीम है। तीनों अलग अलग शेप और डिजाइन है दोस्तों, आप देखिए, ले जाओ जाओ, आप देखिए तीनों का शेप और डिजाइन अलग अलग है दोस्तों, जाओ
एक कप या कॉर्न बनाने का खर्चा 6 से 7 रुपए में गिरेगा, बाजार में 25 से 30 रुपए में बेच सकते हैं। मशीन के अंदर डिजिटल एयर पंप डालने की वजह से आइसक्रीम स्मूथ एंड क्रीमी निकलता है, इसके अंदर क्रिस्टल नहीं आते, जो बर्फ के दाने आते हैं खाने में कचकच आवाज आता है वैसा ये मशीन में नहीं होता है, क्योंकि टॉप क्वालिटी की हाई क्वालिटी के 2024 का लेटेस्ट डिजिटल एयर पंप डाला है, जो आइसक्रीम को हल्का स्मूथ एंड क्रीमी करता है। दोस्तों आदमी खड़े खड़े 2-3 कप या कॉर्न खा सकता है। यह मशीन के अंदर आप रिटेल एंड होलसेल काम दोनों कर सकते हो, जैसे पैकेजिंग का काम करना है, डब्बिया बना बना के स्टोर कर देना है, 500-700 हजार डब्बी डिफ्रिज में स्टोर करना है, तो भी आप मशीन के अंदर से कर सकते हैं। दोस्तों तो 2024 में जितने भी एडवांटेज है मशीन में हमने लोड कर दिए, अभी मशीन का साइड लुक बताएंगे और मशीन में क्या क्या सिस्टम और फंक्शन डाले हमने। यहाँ से पीछे से चले जाए, दूर से हमारे व्यूअर्स को दिखना चाहिए अच्छे से कि हम मशीन के अंदर क्या क्वालिटी और क्या सिस्टम यूज कर रहे हैं। आप थोड़ा पास आ जाए यहाँ पे, बस यहाँ पे देखिए 1.5 एचपी का एम्ब्राको कंपनी का वर्ल्ड की टॉप 3 नंबर की जो ब्रांड हमने बताई एम्ब्राको, उसका हर्मेटिक कंप्रेसर है, रोटरी बोतल वाला नहीं है, जो एयर कंडीशन में एसी में जो रोटरी कंप्रेसर लगता है, जिसका काम सिर्फ ठंडा पवन पहुंचाना रहता है, आइस या बर्फ जमाना नहीं होता है। दोस्तों ये मशीन के अंदर हमने कूलिंग कंप्रेसर यहाँ पे एम्ब्राको कंपनी का डाला है, जिसका 1.5 एचपी 2 टन का कैपेसिटी है। दोस्तों 0.25 एचपी का कूलिंग कंप्रेसर यहाँ पे छोटा डाला है, जो यहाँ पे टैंक में अपना मटेरियल स्टोर रहा है, यहाँ पे उसको चिल्ड और ठंडा करता है, गर्मियों के मौसम में यहाँ पे दूध और मिल्क फटने नहीं देता है। यहाँ पे डॉल्फिन अप्लायंस कंपनी में स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम डाला है, कल सुबह कोई फॉल्ट आएगा तो स्मार्ट सिक्योरिटी तक पहुंचेगा, अगर वो फॉल्टेड प्रॉब्लम है तो डिस्प्ले पे एरर आएगा, अगर फॉल्टेड नहीं है तो सीधा सप्लाई सभी चीज को सप्लाई करेगा। 1.5 एचपी का हैवी ड्यूटी कॉपर वाइडिंग मोटर डाला हुआ है, दोस्तों आप देख सकते हैं पूरा एक कॉपर वाइडिंग मोटर डाला है, यहाँ पे पूरा पंपिंग सिस्टम डाला हुआ है, जिससे अपना कूलिंग बैकअप बिजली जाने के बाद पावर चला गया, बिजली चला गया, फिर भी 6 से 7 घंटे तक आपका जो दूध और मटेरियल है वो खराब नहीं होगा, फटेगा नहीं। दोस्तों दूसरी साइड आके बताइए हमारे व्यूअर्स को, ये आप देखिए दूसरी साइड का लुक देखिए, 16 इंच बाय 16 इंच का हैवी ड्यूटी 4 रो का कॉपर का कंडेंसर है। ये आप खास नोंद कीजिए दोस्तों, कोई भी मशीन लेने से पहले ये सब नोंद कीजिए, नोट कीजिए, लिखिए बुक में, राइट करके आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हो 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख का, तो ये सब चीज जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। दोस्तों 16 इंच बाय 16 इंच का 4 रो का कॉपर कंडेंसर है, प्लस 1.150 वोल्ट का हैवी ड्यूटी फैन डाला है, एम्ब्राको एस्पेरा का फिल्टर सिस्टम डाला हुआ है। दोस्तों आप देखिए पूरा ये पूरा फिल्टर सिस्टम डाला हुआ है, ये सब चीज आपको मशीन ओपन करके खोल के मशीन के अंदर क्या क्या सिस्टम है नहीं दिखाता है। दोस्तों सिर्फ बाहर का लुक दिखता है आपको, क्या बाहर से मशीन दिखने में सेम है, 3 फ्लेवर ही निकलता है, लेकिन अंदर का फंक्शन क्या है, अगर आपको एक बिजनेस प्रोसेसली करना है, सक्सेस बिजनेस करना है दोस्तों, तो इसकी क्वालिटी जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों इसका क्वालिटी कैसा आइसक्रीम निकलता है, कैसा स्मूथनेस है, क्रीमनेस है, प्लस मशीन की हाई क्वालिटी फंक्शन है, हाई क्राउड के अंदर काम करेगी, क्योंकि ये बिजनेस जो हाई क्राउड रहता है वो गर्मियों के समय में ही रहता है, गर्मियों के समय में अगर छोटा कंप्रेसर वाला आप मशीन ले लेते हो दोस्तों, तो वो मशीन जो रहती है वो उतना कूलिंग नहीं देती है दोस्तों, आपका प्रॉपर आइसक्रीम भी नहीं जमाती है, 1-1 घंटे तक मशीन चलती है, पावर खाती है, बिजली खाती है, लेकिन आइसक्रीम जमती नहीं है उसके अंदर, क्योंकि उसमें एकदम लो क्वालिटी और हल्का कंप्रेसर सिस्टम डाला है। यह मशीन के अंदर हमारे पास 4 मॉडल है, सिंगल फ्लेवर 2024 डिजिटल मॉडल कॉम्पैक्ट साइज का, जो यहां पे पीछे पड़ा हुआ है, हमारा पीछे की साइड व्हाइट कलर का पड़ा है, जिसका हम फोटो आपको वीडियो में शो करेंगे। नेक्स्ट मॉडल है 2+1 टेबल टॉप, सेम मशीन आएगा लेकिन टेबल टॉप, ये पूरा फ्लोर बोला जाता है हाइट वाला, इसमें टेबल टॉप आधा मोडी आएगा, उसके बाद 2+1 फ्लोर, जिसके अंदर हमने आपको लाइव डेमो दी दोस्तों, और उसके बाद 4th मॉडल है 2+1 फ्लोर विथ रेम्बो, ये बिना रेम्बो वाला है, उसमें रेम्बो टॉपिंग्स का बॉर्डर जैम लग के निकलता है। मशीन के साथ दोस्तों हम खाली मशीन नहीं देते, ऑल ओवर इंडिया में तकरीबन 5000 से ऊपर हमारी ये मशीनें लगी हुई है हर एक लोकेशन के ऊपर, अगर आपके सिटी में वो मशीन लगी है हम उनको कॉन्टेक्ट करेंगे, उन लोकल जहां पे मशीन लगी है उसका नंबर भी देंगे दोस्तों आपको। मशीन के साथ आपको कंप्लीट मशीन दी जाती है दोस्तों, उसके साथ 10 किलो अच्छे में अच्छी क्वालिटी का आइसक्रीम पाउडर दिया जाता है, एक बोस कंपनी का मिक्सर मशीन दिया जाता है दोस्तों, एक स्पेयर पार्ट वायरिंग वाइसर का किट दिया जाता है दोस्तों, एक माइक्रोटेक कंपनी का 6000 रुपीज का स्टेबिलाइजर सिस्टम जो मशीन को प्रोटेक्ट करती है वो दिया जाता है, पूरी मशीन की एक्सपोर्ट क्वालिटी से पैकिंग करके देते हैं, जैसे वुडन बॉक्स है, वुडन फ्रेमिंग है, कार्टून बॉक्स है, थर्मोकोल है, बबल सीट है, पूरे अच्छे से एक्सपोर्ट क्वालिटी से पैकिंग करके देते हैं दोस्तों। मशीन की प्राइस, मशीन की डिटेल्स, मशीन में डिस्काउंट क्या चल रहा है, हर एक जानकारी के लिए हमने दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके हर एक डिटेल जानकारी फंक्शन ले सकते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आई, वीडियो को एक बार लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूले दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉल्फिन अप्लायंस।